चातुर्य राम काज करिबे को आतुर। जीवन में अपने विद्या अपने गुण और अपने चतुराई का प्रयोग हम कहां करते हैं? हनुमान जी से हनुमान चालीसा के माध्यम से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो आज का यही सूत्र है। पढ़ते हुए वर्षों हो गए, पीढ़ियां गुजर गई, परंतु उसके मर्म को न जान पाने के कारण हमें उसका पूर्ण लाभ जीवन में नहीं मिला और धीरे धीरे कालांतर में जो एक लोक आस्था है हनुमान जी के प्रति, वो लोक आस्था भारतीय नौजवान पीढ़ी युवा वर्ग खोती रही। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मुझे प्रतीत हुआ कि आज इसी सूत्र का प्रतिपादन करें कि विद्यावान गुणी अति चातुर। किसी के भीतर विद्या हो, उसके भीतर जो कुछ भी गुण हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कंडक्टर हो, कलेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, लीडर हो, जिन गुणों को वो धारण करता है पर उसका प्रयोग किसके लिए? अपनी विद्या को समर्पित किसको किए? क्योंकि इस जगत का सिद्धांत है अपने इष्ट के चरण में जो कुछ समर्पित करते हो वही जीवन तुम लाभ करते हो। लड्डू समर्पित करोगे तो लड्डू का जीवन लाभ करोगे, परंतु अपनी समस्त विद्या को अगर हनुमान जी के चरणारविंद में समर्पित कर दोगे तो उस विद्या का लाभ तुम्हें जीवन में हनुमान जी जो भगवान राम के द्वार हैं, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। और भगवान राम कौन है? राम कृपा बिनु सपने हु जीवन लह विश्राम। इस दुनिया में श्री राम की कृपा के बिना जीव सपने में भी विश्राम नहीं पा सकता। आंख खोल के तो छोड़ ही दो, सपने में भी अगर विश्राम चाहिए तो श्री राम की कृपा चाहिए। और श्री राम की कृपा, राम दुआरे तुम रखवारे होतना आज्ञा बिनु पैसारे। उनकी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता।